जिला बार एसोसिएशन के सभागार में आज हिंदी सप्ताह पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीकांत शुक्ला जिला जज थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि यदि हम हिंदी को प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो ज्यादा न करते हुए हमें भी अपने घर की नंबर प्लेट हिंदी में लगवानी चाहिए तथा अपने वाहनों पर हिंदी में लिखे हुए नंबरों की लगवानी चाहिए। इस कार्यक्रम में हिंदी भाषा में कार्य करने वाले न्यायिक अधिकारीगण पंकज जायसवाल अपर जिला जज एवं नाहिद सुल्ताना सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट का स्वागत किया गया तथा जिला जज मुरादाबाद ने उनको स्मृति चिन्ह व शॉल पहनाकर जिला जज शशिकांत शुक्ला को अध्यक्ष प्रेम कुमार राणा को सम्मानित किया तथा स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। इस कार्यक्रम में अपर जिला जज अनिल कुमार आदि उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में निम्न ने अपने अपर जिला जज द्वितीय हरिवीर सिंह अपर जिला जज प्रथम राम अचल सिंह अपर जिला जज तृतीय लल्लू सिंह। इस कार्यक्रम में प्रेम कुमार राणा अजय गुप्ता राकेश चंद शर्मा हरप्रसाद सोमपाल सिंह जयवीर सिंह प्रकाश वीर सिंह ललित अरोड़ा विकम सिंह सैनी शेर सिंह हर्षरूप सिंह श्रीमती गुंजन तिवारी श्रीमती रमा पांडे श्रीमती पारुल अग्रवाल श्रीमती सीमा सिक्का मोहम्मद जुनेद एजाज संजीव राघव जूनियर बार के अध्यक्ष प्रमोद प्रत्येकी एवं अधिवक्ता परिषद के जिला अध्यक्ष संजीव तिवारी सुरेंद्र पाल सिंह आदि ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गीत जनमन गण के साथ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रेम कुमार राणा ने की तथा संचालन अजय गुप्ता महामंत्री ने किया। न्यायिक अधिकारी का अधिवक्ता साथियों, आज हिंदी के इस दिवस पर हम सभी का एक कर्तव्य है कि हम अपना कार्य हिंदी में करें और अपने साथियों को और मिलने वालों को इस ओर प्रेरित करें कि वो अपना कार्य हिंदी में करें। धन्यवाद। सेक्रेटरी विद्वान अध्यक्षता तथा हमारे न्यायिक अधिकारी, आज बड़ी खुशी की बात है कि मेरा दूसरा अवसर है कि मैं यहाँ पे हिंदी दिवस मना रहा हूँ और बड़ी अच्छी बात है। जैसे पता लगा कि सालों साल से हिंदी दिवस मनाते चले आ रहे हैं और हिंदी दिवस अभी बहुत सारी बातें हो गई है, कुछ ज्यादा बातें उसमें करने की नहीं है, ये तो सभी जानते हैं कि भारतवर्ष की सारी भाषाएं अधिकांश भाषाएं संस्कृत से निकली हुई है। संस्कृत का अपभ्रंश होता गया, पाली प्राकृति और दुनिया भर की निकलती गई, हिंदुस्तानी होती जा रही है जिसमें उर्दू का भी मिश्रण है, संस्कृत का भी मिश्रण है, अंग्रेजी का भी मिश्रण है। आपने देखा होगा हर शहर में हिंदुस्तानी इकट्ठी हुई हुई है। महात्मा गांधी का तो हिंदुस्तानी भाषा का ही उन्होंने प्रचार भी किया जिसने कि सभी के सभी लोग आसानी से बोल सके और हमें उसे ही अपनाना पड़ेगा। अब प्लेटफॉर्म को अगर हम हिंदी में शब्द ढूंढेंगे तो शायद डिक्शनरी बड़ा मुश्किल लगेगी, कहीं से मिले तो पर बताएं। आजादी के समय, आजादी जिस समय हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे और उसके पहले से पर्शियन भाषा, अरबिक भाषा, फिर उर्दू भाषा, अंग्रेजी भाषा बहुत जोर पे आई। 1908 में संभवतः सबसे पहली बार यहां के लोगों ने महादेवी वर्मा हजारी प्रसाद द्विवेदी काका कालेकर जैसे भी नाम लिया और भी उस समय के जो विद्वान थे उन लोग दक्षिण भारत गए किसी तरह से कुछ समझाने के लिए और यहां पर हिंदी का बढ़ाने के लिए। तो जैसे होता है लोगों की नाराजगी, पत्थर खाए, सब खाए, फिर आ गए।